आइए तो भाई सुनेंगे। हाँ ब्रदर मुन्ना ने पटना तो आया, पटना से। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में आप पटना से इतनी दूर से आए? सिर्फ गवाही देने के लिए आए। और ताली बजा दो। देखो इसको कहते हैं यीशु ने। आजा फिर एक गले लग जा, गले लग जा, मौका मिले तेन। ये जड़ी तू मैनू जफ्फी पाई है ना, ये सारी अनॉइंटिंग तेन मिल गई अज। ठीक है, ये ब्लैसिंग मिल गई। सुनो सुनो, पास्टर को लोग ढूंढ रहे हैं और 50,000 रुपये लेके ढूंढ रहे। पास्टर जी 50,000 ले लो, मेरी अपॉइंटमेंट बना दो। लेकिन पास्टर किसी को काबू नहीं आ रहा है। लेकिन आप पटना से इतनी दूर से आए हो, इसलिए आज प्रभु ने आपको ये मौका दिया। जी बताएं, गवाही बताएं, गवाही प्रभु के लिए। मैंने यूट्यूब पर देखा प्रोग्राम, मैंने नंबर पर कॉल किया। मेरे घर में अशांति थी, मेरा एक आदमी काम के लिए 5 लाख रुपए ले चुका था, पैसा देने का नाम नहीं ले रहा था। प्रेयर करवाया, उसके बाद से अभी 1.25 लाख रुपए दे चुका। और मुझे डायबिटीज था, डायबिटीज जितना था 500 था, 550 शुगर था, बिना खाया हो न पाया 550, फिर भी मैं चलता रहा, प्रार्थना करवाता रहा दो दो टाइम, खाना शरीर में नहीं लगता था, उसके लिए प्रार्थना करवाया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरे घर में अशांति थी, हमेशा झगड़ा चलता था मेरे बीवी के बीच में और मेरे माँ पापा के में। मैंने प्रार्थना करवाया यहाँ से, अब सब में प्रेम है। और मेरे यहाँ आने के पहले सिर्फ 3 दिन पहले पैरों में दर्द था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, बोझ नहीं उठा सकता था। तो मैंने प्रेयर करवाया, सिस्टर ने बोला मार्केट से तेल लेकर आना। मैंने तेल ले आया, प्रेयर करवाया और सिस्टर ने बोला कि 100 बार बोलना है यीशु की लहू का चाय, उसके बाद लगाना। और बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। देखिए देखिए, ये परमेश्वर का यीशु मसीह का प्रेम है। और मैं सिर्फ यहाँ यीशु मसीह के बल पे यहाँ आया हूँ चलकर। घर वाले आने नहीं दे रहे थे, बोलते कमजोर हो, कहाँ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा। मैंने नहीं, मेरे साथ प्रभु है, मेरे यीशु पापा मेरे साथ है। 3 साल का बबच्चा है, वो भी 3 टाइम प्रेयर करता है। और सिर्फ मुझे पापा नहीं बोलता है, यीशु को यीशु पापा बोलता है। धन्यवाद करता हूँ पापा को। हालेलुया। सुनो सुनो भाई, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, तुम्हारे बेटे को, सुनो इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारे बेटे को परमेश्वर, प्रभु का आत्मा बता रहा है, तुम्हारे बेटे को परमेश्वर ने चुना हुआ है। और सुनो, एक दिन आएगा, इस बात को याद रखना, पास्टर रमन की बात को टाइम नोट कर लो, 9 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। और डेट नोट कर लो, तेरा बेटा प्रचार करने के लिए अमेरिका जाएगा। अब से अपने बेटे की तरफ ध्यान देना शुरू कर, उसको अच्छी बाइबल, इंग्लिश में बाइबल ट्रेनिंग कराना उसको, ठीक है, बाइबल ट्रेनिंग कराना, बुरे लोगों से दूर रखना, बुरी संगति से दूर रखना। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, तुम्हारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तूने स्ट्रगल किया है। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, तुम्हारे घर में किसी ने 5 बार, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, 5 बार किसी ने तुम्हारे घर में जादू टोना किया है। और तुम्हारे घर के पास कोई बंदा है जो बलि देता है, बलि बलि चढ़ाता है, कोई कौन है? मेरे चाचा है। चाचा बलि चढ़ाते वो? सुनो, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर का एक पुराना दरवाजा देख रहा हूँ, दरवाजे के पास एक दीवार देख रहा हूँ, दीवार के ऊपर कीले गड़ी हुई है, परमेश्वर का गड़ी हुई है, है? सुनो, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, अब जाना उन कीलों को उखाड़ के बाहर फेंक देना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, किसी ने तुम्हारे घर में कीले ठोक दी। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, तुम्हारे घर में एक समय था कोई कपड़े चोरी हुए थे, कपड़े चोरी हुए थे। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, तुम्हारे घर में एक संदूक देख रहा हूँ जो काले रंग का है, जो ब्राउन काले रंग का संदूक है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, उस संदूक में कुछ कपड़े पड़े हैं, जो एक पीले रंग का कपड़ा है, एक रेड कलर का कपड़ा, कुछ ऐसा है। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए जोर से। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है,
तुम्हें रोका जा रहा है, शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, ये बीमारी शैतान की तरफ से थी, लेकिन आज तुम यहाँ पर आए हो, आज के बाद परमेश्वर ने तुम्हें यीशु के नाम से ब्लेस कर दिया है। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी कान खुल के बात सुनो, हमारे मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हो, कनेक्ट रहना, फोन करते रहना, और सुनो जो भी आपने अपनी लाइफ में आगे कदम बढ़ाना है, पहले आपने हमारी टीम से पूछना है और हमारी टीम आपको बताएगी कैसे क्या करना है। और परमेश्वर का आत्मा द्वारा आपकी लाइफ में एक बड़ा काम खुदा करेगा, तुझे परमेश्वर ने चुन लिया, आज के बाद चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दे यीशु के नाम से। आंखें बंद करो। होली स्पिरिट, परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते इस भाई पर तेरी ब्लेसिंग को रिलीज कर दे। फायर इसकी बॉडी में रिलीज हो जाए। पवित्र आत्मा इसकी जरूरतों को पूरा कर। आमीन। इसके बच्चे को, इसकी फैमिली को तेरे नाम से ब्लेस कर दे। यस लॉर्ड। तूने कंप्लीटली इस भाई को ब्लेस किया, इसके विश्वास के द्वारा तूने इसको ब्लेस किया, मैं सारी ब्लेसिंग इसको देता हूँ। आमीन। यीशु के नाम से सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।